नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी कार्यक्रम के तहत आज बेलूर मठ का किया दौरा। दार्जिलिंग जिला SUCI की ओर से सिलीगुड़ी में धरना प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा में आज स्कूल बस हुई सड़क दुर्घटना का शिकार। आंबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने अभियान चलाकर एक बार फिर करीब 20 लाख रुपए मूल्य के यारसा गुम्बा किया बरामद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिद्वेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल। प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेलूर मठ की पवित्र भूमि से मिट्टी एकत्रित की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी कार्यक्रम के तहत आज बेलूर मठ का दौरा किया। मठ की परंपरा के अनुसार आज सुबह महाराजाओं ने उनका सत्कार किया, फिर एक एक करके स्वामी जी माता शारदा देवी टैगोर ने श्री रामकृष्ण देवी के मंदिर और स्वामी जी के घर आदि का दौरा किया। मेरी मिट्टी मेरे देश कार्यक्रम के तहत बेलूर मठ की पवित्र भूमि से उन्होंने मिट्टी एकत्रित की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को राष्ट्र ने स्वीकार और सम्मान दिया जब उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि बेलूर मठ की पुण्य माटी को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के प्रति समर्पित करने का अवसर पा चुकी हूँ। मठ में जितने स्वामी हैं उन्होंने अपने आशीर्वाद से ये माटी हस्तांतरित की है ताकि भारत के अमृत काल पर स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का और माँ का सदैव आशीर्वाद बना रहे। अमृत काल में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो स्वामी जी से प्रेरित हो, राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहे, इसी संकल्प के साथ आज ये माटी मैं देश की राजधानी लेकर जा रही हूँ। दार्जिलिंग जिला SUCI की ओर से सिलीगुड़ी में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय पर अतिक्रमण कर रही है। इस दिन CUSI की ओर से सिलीगुड़ी बागा जतिन मैदान में सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बागा जतिन मैदान के सामने विरोध मार्च भी निकाला गया जो शहर की विभिन्न सड़कों की परिक्रमा करते हुए महात्मा गांधी चौक पर समाप्त हुआ। যে একদিকে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনী রাজনীতি সামনে রেখে যেমন কন্টিনিউয়াস তারা বিজেপিকে গালি দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগালি করছে, কুৎসিত মন্তব্য করছে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম যে তারা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 যেটা বাস্তবিক আমরা আখ্যা দিয়েছি শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি তার কার্বন কপি পশ্চিমবঙ্গে ইমপ্লিমেন্ট করছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যে দখলদারি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দখলদারি কারা নেবে এমন একটা পরিবেশ তারা তৈরি করছে যে পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। বাস্তবিক কোনো সভ্যতা, কোনো ভদ্রতা সমস্ত কিছু সীমা অতিক্রম করে তারা শিক্ষাটাকে একটা একদিকে যেমন বাণিজ্য পণ্যে পরিণত করছে, আর কারা এর দখলদার নেবে, কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার, সেই ব্যবস্থা তারা করছে। सिलीगुड़ी बागडोगरा में आज सुबह एक स्कूल बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जहां पीछे से तेज रफ्तार आ रही पिकअप वैन ने उस बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस का पीछे का हिस्सा, पिकअप वैन का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उस बस में कोई भी छात्री मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस हादसे से बस आधा पलट गया, ऐसे में बच्चों के साथ एक बड़ा अनहोनी हो सकता था। इस घटना में बस और पिकअप वैन क्षतिग्रस्त हो गए। पता चला है कि मैजिक गाड़ी को बचाने के चक्कर में यह घटना हुई। राजगंज आंबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने अभियान चलाकर एक बार फिर 20 लाख रुपए मूल्य के यारसा गुम्बा बरामद किया। बुधवार रात को आंबाड़ी रेंजर आलमगीर हक के नेतृत्व में वनकर्मियों ने सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पर अभियान चलाकर करीब 800 ग्राम यारसा गुम्बा बरामद किया है। इससे पहले गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर वनकर्मियों ने उक्त दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से करीब 13 ग्राम यारसा गुम्बा बरामद किए गए थे। हालांकि इस मामले में कल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
लाखों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार। सिलीगुड़ी खालपाड़ा के पंकज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति के खिलाफ जमीन दिखाकर करीब 83,92,000 रुपए हड़पने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस ने आरोपी जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर उनके जाँच के लिए 7 दिनों की रिमांड पर लेने की आवेदन कर रही है। अब आप हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें। पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइट टूर्स एंड ट्रेवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहला पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहला पुरस्कार केवल बिक्री बगैर टिकट और बाटा। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुँचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। अ कंप्लीट IT एंड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग सॉल्यूशंस टू बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, फ्रॉम CCTV कैमरास टू एक्सेस कंट्रोल, फ्रॉम फायर अलार्म्स टू व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वी डू इट ऑल। सिक्योरिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, बैंक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होटल्स, रिटेल चेन, पुलिस, प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट और होम। Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP, Siliguri, 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। विभिन्न स्थानों पर दौरे पर निकले पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नए पुलिस आयुक्त सी सुधाकर ने कार्यभार संभालने के बाद सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने का दौरा किया। आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के DCP ACP के साथ विभिन्न थानों के IC ने फूलों का गुलदस्ता देकर पुलिस कमिश्नर का स्वागत किया। पुलिस कमिश्नर ने आज से पदभार संभाला है। ससुराल से पत्नी और बेटी को लाने के दौरान पति के साथ की गई मारपीट। पति ने लोक लाज के कारण गले में फंदा डालकर की आत्महत्या। यह घटना सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी के झमुरी विटा इलाके में घटी। घटना के बाद NJP थाने में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। पत्नी और ससुराल वालों पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। ছেলের বউ ঘুরতে গিয়েছিল বাপের বাড়িতে, বললো আমি বাড়ি যাই, আমি কদিন থেকে আসি। তখন গেল, গিয়ে একদিন হঠাৎ করে রাত্রিবেলা এলো। এলে এসে আমাকে, আমার ছেলেকে ঘুমাইছিলাম, তখন আমাকে ছেলেকে মারতে ধরলো। আমি বললাম কেন, কি করেছি আমার ছেলে, কি করেছি? বলল কি, হ্যাঁ মারবো, তোদেরকে মারবো, সংসার করব না, আমার সম্পত্তির ভাগ চাই, আমি তোদের বাড়ি থাকবো না। চলে গেল তো ছেলে কিছু বলেনি, আমিও কিছু বলিনি, চুপচাপ চলে গেলাম। কিছুদিন পরে ছেলেকে নিয়ে, মেয়ে বউকে নিয়ে আসলাম।
বউকে আনার পরে সংসার করলো কিছুদিন, কিছুদিন থাকার পরে দেখছি চুপচাপ চুপচাপ খুব করে থাকে। থাকার পরে শুধু ছেলে নিয়ে আসলো ঠিকই, সারাক্ষণ ফোনের মধ্যে কথা বলে, ফোনের মধ্যে কথা বলতেই থাকে, বিজি থাকে, ছেলে আছে, ছেলের সাথে ভালো করে কথা বলে না, এ করে না, ঠিক আছে ছেলে ওইভাবেই চলছে। আমরাও হাসি খুশি থাকছি, ঠিক আছে তোর মতো তুই থাক, আমার মতন আমি থাকি, আমার ছেলে তো মরে গেছে, আমি তো আর খুঁজে পাবো না, কিন্তু আমার ছেলের সাজা চাই, ওদের এমন সাজা হয় যাতে না বাঁচতে পারে, আমি এরকম সাজা চাই যেরকম আমার ছেলে মরেছে, আমি এরকম সাজা চাই, আমি আর কিচ্ছু চাই না, আমার কেউ নেই, এর একটা পাগলা ছেলে আর কেউ নেই, আমার আগে পিছিয়ে আমার কেউ নেই, আমি এ ছেলের জন্যই বাঁচি, আমি বৌমাকেও খুব ভালোবাসি, নাতনিকেও খুব ভালোবাসি, তাও বৌমা এরকম করে আমার সাথে, আমার সাথে অনেক ব্যবহার খারাপ করে, তাও আমি কিচ্ছু বলিনি, আশেপাশে লোক আছে এরাও দেখে জানে, জিজ্ঞেস করে নিন আশেপাশেও আছে এরা, এরা তো ভালো জানে। कांग्रेस प्रधान के घर पर हमला, मालदा में कांग्रेस शासित ग्राम पंचायत प्रधान के घर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मालदा के चांचल थाने के जलालपुर गांव में इस पूरी घटना को लेकर काफी तनाव है। दो सप्ताह पहले मालदा के चांचल थाने में जलालपुर गांव में जमीन विवाद के कारण तृणमूल कार्यकर्ता शहीदुल रहमान की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस पर हत्या का आरोप है। मृतक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिला तृणमूल उपाध्यक्ष दुलाल सरकार का दावा है कि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस शामिल है। রাতের বেলায় পুলিশ আসার গেটে বাড়ি বলার পরে তখন গিয়ে দুষ্কৃত আসছিল, কিছুক্ষণ পরে দুষ্কৃত আসার পরে তখন গিরিল ভেঙে ঢুকে আমাকে বলছে যে চাকু দেখাচ্ছে, পিস্তল দেখাচ্ছে, তোমাকে মেরে ফেল দেবো, আমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়নি। তারপরে তখন ঘরে চারজনা ধরেছিল, ঘরে লুটতারাজ করার পরে তখন অনেকক্ষণ পর তখন ওরা বের হয়ে যাওয়ার পরে তখন দেখছি তো ডাকছি সবকে, টোলা পড়োশকে, তো লুটপাট লুটপাট দেখে সবাই গা গ্রাম টোলা পড়োশের মানুষ এসে দেখলে তৃণমূলেরা দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে কি করলো, তারা এ চিন্তাই করেছে। জালালপুরের যে ঘটনা, ওখানকার কংগ্রেসীরা একটা অপপ্রচার করছে যে তৃণমূল কংগ্রেসীরা তাদের প্রধানের ওখানে হামলা করছে, এটা পুরোপুরি মিথ্যা। জালালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুন হয়, ওখানে অনেক কংগ্রেসীরা জড়িত ছিল, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, তাই তারা এখন ওটাকে ঘোরাবার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার করছে। তৃণমূল কংগ্রেস এরকম হামলার সাথে জড়িতও না, আর তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে আইন আছে আইনের উপর বিশ্বাস থাকে, এখানে জেলা প্রশাসন আছে, পুলিশ প্রশাসন আছে, তারাই তদন্ত করে যারা যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সূচনা কে আধার পর পুলিশ নে নশিলে পদার্থ সে ভরা এক ট্রাক জব্ত কিয়া। ट्रक असम से कुछ बिहार में घुसा और दिनहाटा जा रहा था। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रेलवे गुमटी इलाके से ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक को कुछ बिहार के कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तलाशी के बाद ट्रक के स्टेपनी टायर से अंदर से ब्राउन शुगर और अन्य दवाएं बरामद की गई। इस घटना में शामिल ट्रक ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि इस घटना में और भी कोई शामिल है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।